हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन वगैरह कवर किया हुआ है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आज हम लोग प्रिपरेशंस की बात करेंगे कि अल्कोहल के प्रिपरेशन के कितने मेथड हैं। अगर हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हम कितने मेथड से उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक देखते हैं आज हम लोग सारे। मैं ट्राई करूँगा कि ऑलमोस्ट सारे जो अपने प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो कवर हो जाने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से। नया टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। राइट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के पहले मैं थोड़ा सा कल हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, थोड़ा नॉमेनक्लेचर वगैरह मैं बता देता हूँ कि अल्कोहल का एक्चुअल में नेमिंग का फॉर्मेट क्या होता है IUPAC। तो अल्कोहल ग्रुप जो होता है जनरली हमारे पास क्या होता है, ROH। यहाँ पे ये वाला जो R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये R ग्रुप हमारे पास एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइल हुआ तो नॉर्मल कार्बन की चेन्स होंगी यहाँ पे, सिंगल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड। बट अगर एराइल ग्रुप हुआ तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा बेंजीन को। ठीक है, तो अगर ये आर ग्रुप हमारे को एराइल बोल रहा है या एरीन्स बोल दे, जैसा कल भी मैंने मेंशन किया था, एराइल हो या एरीन हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे इसको, बेंजीन। अब नेमिंग का फॉर्मेट क्या है कि एल्कोहल दो तरीके से आ सकता है हमको, या तो एल्कोहल मेन चेन पे आ जाए या तो अल्कोहल जॉइनिंग पे आ जाए। ठीक है, तो अल्कोहल जब भी मेन चेन पे होगा, मेन चेन पे बोलने का क्या मतलब है कि अल्कोहल जब सिर्फ अकेला फंक्शनल ग्रुप होगा एक चेन में, सिर्फ सिंगल होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग पेरेंट चेन में कंसिडर करते हैं और उस केस में उसको नाम क्या लिखेंगे, ऑल। बट अगर ये अल्कोहल जॉइनिंग पे आता है, जॉइनिंग पे बोलने का क्या मतलब है कि मान लो कोई कार्बन चेन है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं और एक अल्कोहल है, तो एक अगर अल्कोहल से बड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो अल्कोहल को हम लोग जॉइनिंग पे लेते हैं। ऐसे केसेस में इसको हम लोग हाइड्रोक्सी करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल को दो वर्ड से लिख सकते हैं हम लोग, ऑल और हाइड्रोक्सी, डिपेंड करता है कि वो मेन चेन पे है या फिर जॉइनिंग पे। तो चलो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें कि मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो सिर्फ एक ही अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, पेरेंट चेन पे होगा कभी भी। इसमें ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, क्या हो गए, प्रो एन, और वन पे क्या है अपने पास, ऑल। तो ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है, इसको वन नहीं भी मेंशन करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, जॉइनिंग पे कैसे आ सकता है ये, सपोज करो कि यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे एक कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक का है और ये हमारे पास अल्कोहल का है। अब हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर हम लोग कार्बोक्सिलिक को देते हैं, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 और 4। अब पेरेंट चेन के साथ ये ग्रुप जाएगा और ये चला जाएगा जॉइनिंग पे। इसको लिखेंगे कैसे, देखो अब 3 पे ये जॉइनिंग है, तो जब ये जॉइनिंग पे आएगा तो मैंने क्या बोला था, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या होगा, 3-hydroxy, राइट। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं हम लोग, ऑइक एसिड। तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस ऑर्डर भी पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, कि हम लोग प्रेफर कैसे करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल के साथ अमाइन आ गया यहाँ पे OH लगा देते हैं, आगे वाले ग्रुप पे NH2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की चेन को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब अमाइन और अल्कोहल में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको जाती है, अल्कोहल को, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये जो है ये पेरेंट चेन पे होगा, ये जाएगा अपने जॉइनिंग पे, क्लियर हुआ। अब जॉइनिंग पे 3 पे हमारे पास अमाइन की जॉइनिंग है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अमाइनो, तो 3-amino। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है टोटल हमारे पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, और 1
अब ये मेन चेन पे है, अब ये मेन चेन पे है तो कैसे कंसिडर करेंगे इसको? अब हम लोग हाइड्रोक्सी नहीं लिख सकते, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? ऑल, राइट। तो अगर ज्वाइनिंग पे आता है तो उस केस में हाइड्रोक्सी, और अगर मेन चेन पे आता है तो उस केस में क्या हो जाएंगे? ऑल करके नेमिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे डबल बॉन्डेड वगैरह स्ट्रक्चर आ जाते हैं कभी कभार, मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ऐसे कुछ अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब काउंटिंग कहाँ से होगी इसकी? यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड पड़ा हुआ है, यहाँ से 1 2 3 पे अल्कोहल है, यहाँ पे 1 2 3 पे अल्कोहल है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, राइट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 1 पे हमारे पास क्या है? देखो डबल बॉन्ड है इन, और 3 पे हमारे पास क्या है? ऑल, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो डबल बॉन्ड भी कंटेन करते हैं और अल्कोहल भी कंटेन करते हैं, इनको शॉर्ट में इनॉल बोलते हैं हम लोग। कहीं पे इनॉल लिखा हुआ अगर मिलता है तो इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज चलेगा। जैसे मान लो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अल्कोहल लगा देते हैं, यहाँ पे एक अल्कोहल और यहाँ पे अल्कोहल, तो कुछ कॉमन नेमिंग भी हम लोग देखते चलते हैं साथ में। क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 पे 3 पे और 5 पे 3 अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायोल, राइट। ट्रायोल प्रीवियस वीडियो के जो क्लासिफिकेशन थे उस पर हमने देखा था कि हमारे पास नॉर्मल अल्कोहल भी आएगा, दो अल्कोहल जुड़े जुड़ जाएंगे अगर, तो वो क्या हो जाएंगे? डायोल्स या ग्लाइकोल्स भी बोल सकते हैं। तीन अल्कोहल जुल अगर ऐड होते हैं स्ट्रक्चर में तो वो क्या हो जाते हैं? ट्रायल्स, या फिर उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, अब इसमें अल्कोहल भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा ग्रुप लगा देते हैं जैसे एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब प्रेफरेंस ऑर्डर किसको मिल जाएगा? सपोज करो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर पे जाएगा, ये 1 ये 2 3 4 5 और 6। तो अब इस पेरेंट चेन के साथ ये जाएगा काउंटिंग पे और ये चला जाएगा ज्वाइनिंग में, तो हमारे पास क्या हो गया? 3 पे हमारे पास क्या मिला? हाइड्रोक्सी, राइट। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लो हेक्स। 4 पे हमारे पास क्या है? 4 पे ईन, और 1 पे एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो एल्डिहाइड का कार्बन बाहर है, राइट, तो इसको हम लोग सिर्फ एल नहीं लिखेंगे, इस केस में हमको कार्बन लिखना पड़ता है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है तो कार्बोर्ड हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 7, नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे एक अल्कोहल, यहाँ पे एक अल्कोहल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, काउंटिंग किसको जाएगी? देखो इसको 1 बोलेंगे, ये अपने आप 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, राइट। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? साइक्लो ब्यूट। अब देखो 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इन, और 1 पे और 2 पे दो बार अल्कोहल आ रहे हैं, तो ऑल तो लिखेंगे बट इनके आगे क्या लग जाएगा? डाई, ठीक है। तो इनको डायोल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, इन शॉर्ट दो अल्कोहल वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो डायोल्स हो जाते हैं हमारे पास, क्लियर है। 3 वाले ट्रायोल्स, 4 रहेगा तो टेट्राओल, ऐसे करके नेमिंग का फॉर्मेट चलता जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर अल्कोहल ज्वाइनिंग पे आ रहा है, अगर ऑलरेडी कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्कोहल चला जाएगा ज्वाइनिंग पे, और ज्वाइनिंग पे अल्कोहल को हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है। मेन चेन पे आ रहा है, अकेला फंक्शनल ग्रुप है या अमाइन वगैरह के साथ आ रहा है तो अल्कोहल जाएगा मेन चेन पे, जहाँ पे उसको हम लोग नेमिंग क्या लिखेंगे? ऑल करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल का फॉर्मेटिंग है नेमिंग का। चलते हैं इसके प्रिपरेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास? प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल, राइट। तो फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड, ठीक है। मान लो हम लोग लैब में एंटर करते हैं और हमको अल्कोहल फॉर्म करना है, ठीक है। लैब में एंट्री करते हैं और अल्कोहल फॉर्म करना है,
और लैब में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड रखे हुए हैं। तो एल्काइल हैलाइड को हम लोग कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, राइट। तो सिंपल सा मेथड होता है कि अगर मैं किसी भी अल्काइल हैलाइड को, राइट, किसी भी अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH या NaOH से ट्रीट कर दूं, KOH लिख लो या फिर NaOH लिख लो, इनसे जैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये हमको अल्कोहल बना के देता है, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो कभी भी अगर अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? हाइड्रोलिसिस। अब ये काम कैसे करता है, देखो कोई भी एक अल्काइल हैलाइड बना लो। सपोज करो यहाँ पे हम लोग ने एक अल्काइल हैलाइड बना लिया, इस पे किसका रिएक्शन कर दिया जाए? एक्वस KOH। मान लो KOH ले लेते हैं एक्वस मीडियम में, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलेगी या विदाउट एनर्जी भी ये रिएक्शन जनरली प्रोसीड कर जाता है, क्या होगा? ये डिवाइड होगा किस में? के प्लस और OH- में। यहाँ पे क्या है? कार्बन पे पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तो इसका Cl- क्या करेगा? के प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका OH- किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? यहाँ पे। फाइनली मिला क्या हमको? देखो यहाँ से KCl बाहर चला गया और यहाँ पे क्या बच गया? CH3CH2OH। क्या नाम लिखेंगे इसको? इथेनॉल। तो अब इस पे छोटे मोटे जो छोटे क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमने दो मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म। उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग जज करते हैं वेदर द गिवन रिएक्शन इज SN1 मैकेनिज्म और SN2। तो वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो जनरली कौन से रिएक्शन देना पसंद करते हैं? SN2। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म पूछेगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर मान लो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस केस में है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाती? तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर कोई देखेगा तो उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका बढ़ जाएगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने प्राइमरी लेके किया हुआ था, बट अगर ऑर्डर गलती से पूछता है तो हम लोग ये ऑर्डर उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया कि अगर लैब में सिर्फ अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो उस पर हम लोग एक्वस KOH डाल के या NaOH डाल के अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। सेकंड मेथड जो है इसका वो है हमारे पास बाय यूजिंग एल्कीन। अगर मान लो लैब में एल्केन नहीं रखा है बट तुमको एल्कीन दिख रहा है तो हम लोग कैसे करवा सकते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अल्काइल हैलाइड है तो हाइड्रोलिसिस करवा के मैं अल्कोहल बनाऊंगा, बट अगर मेरे पास एल्कीन रखा हुआ है तो मैं हाइड्रेशन करके इसका रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस में होता क्या? देखो हाइड्रेशन प्रोसेस अगर मैं बताऊं सिंपल सा, तो एल्कीन लेना है, उस पे एग्जाम्स में वो लोग ऐसे भी लिख के देते हैं कि H2SO4 डाल रहे हैं और दूसरे वाटर से ट्रीट कर रहे हैं तो अल्कोहल बनता है। मतलब ये ओवरऑल कंपोजिशन है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझेगा ये रिएक्शन होती कैसे, अल्कोहल हमको फाइनली बनाना है, ठीक है। तो कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं सिंपल सा। मान लो कि हमने ये एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इस पे रिएक्शन कर देते हैं, पहले किसका बोल रहा है वो? H2SO4 का, H2SO4 का रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। इन रिएक्शन का एक छोटा सा शॉर्टकट है ध्यान में रखना कि कभी भी अगर हम लोग को H2SO4 दे रहा है और सिंगल बॉन्ड से रिएक्शन करवाएगा तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं OH और SO3H में, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर H2SO4 गलती से भी डबल बॉन्ड से रिएक्शन करे या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करे तो ये ब्रेक होता है H और OSO3H में, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक है। तो एल्कीन को यूज करके कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैंने H2SO4 रख दिया है। कैसे डिवाइड हो जाएगा? अब देखो, डबल बॉन्ड से रिएक्शन पे मैंने क्या बोला है, H और OSO3H में डिवाइड होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का रिएक्शन मुझे पता है कि रिएक्टिविटी के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में कब कन्वर्ट होगा, जब मान लो कि एक हाइड्रोजन इसको दे दें और ये वाला ग्रुप इसको दे दें, तो इसके बाद का स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा, CH2। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे OSO3H यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट वाली स्टेप है जिसमें उसने क्या बोला था कि एल्कीन को पहले H2SO4 से ट्रीट करो और फिर वाटर से ट्रीट करो। तो ये जनरली हमारी फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है उसको हम लोग क्या करें, वाटर से ट्रीट कर दें, राइट। अब वाटर हमको पता है कि वाटर कैसे ब्रेक करता है H और OH में, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अगर इसको मिल गया गलती से तो ये फिर से क्या बना देगा, H2SO4। ये वापस से H2SO4 बना के बाहर चला गया। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो, एक बॉन्ड खाली पड़ गया यहाँ पे, यहाँ पे जो इसका एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है वहां पे OH जाके लग जाएगा एज इट इज, यहाँ पे OH लगा देते, समझा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये चीजें एग्जाम्स में हमको कैसे दी जाती हैं, वो सिंपल सा ऐसे लिख के देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, राइट, इस पे वो सिंपल सा लिख के देगा कि इसको हम लोग पहले H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं और फिर हम लोग इस पे वाटर डाल रहे हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिएक्टिंग मिक्सचर का करना क्या है, ठीक है। ये मिक्सचर देख के हमको समझ में आना चाहिए ये कौन सा प्रोसेस है, हाइड्रेशन प्रोसेस है। देखो तो यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है, राइट। तो हाइड्रेशन प्रोसेस करता क्या है, एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में। तो इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे CH2, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन वो लोग कन्वर्ट करके दे सकते हैं, जैसे ये हो गया, इस पे H2SO4 डाल के सेकेंड बोल देगा H2, राइट। तो कुछ नहीं करना है, इस वाली पोजिशन पे सिंपल सा क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे खाली अल्कोहल का फॉर्मेशन कर। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन नाम देते हैं और ये कंपोजिशन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन बोलते ही H2SO4 और वाटर का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, अल्कोहल बनाने की थर्ड मेथड है हमारे पास, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में या एग्जाम में हमको सिर्फ क्या दिया होगा, एक नॉर्मल सा एल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल, इस पे वो लोग बहुत सारी चीजें लिख के देंगे, जैसे यहाँ पे B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF लिख देगा, दूसरा यहाँ पे लिख देगा पेरोक्साइड, ठीक है, और बोलेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ, राइट। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, फॉर्म क्या होने वाला है, अल्कोहल ही बनने वाला है यहाँ पे। बट एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे काम करता है देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, राइट, B2H6 क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबोरान। अब B2H6 जो डाइबोरान है हमारे पास, ये डिवाइड होता है दो फॉर्म में, BH3 और BH3, राइट। तो एक्चुअल में रिएक्शन कौन करता है इस पे, BH3 का मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है इसे, तो ये BH3 बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, हमने क्या देखा हुआ है कि अगर मान लो कि ये हाइड्रोजन इसको मिल जाए तो डबल बॉन्ड का रिएक्शन किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, राइट। तो अब ये देखो, यहाँ पे ये बोरॉन बना लेते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को ऐसे ही रखते हैं, ये हाइड्रोजन हमने दे दिया इसको, राइट, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो बचेगा क्या हमारे पास,
CH3, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास CH2। आगे वाला जो CH2 है इसका बॉन्ड जो खाली हुआ है वो कनेक्ट कर जाएगा इस बोरॉन से, ठीक है, क्योंकि इसकी भी तो वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये यहाँ से कनेक्ट कर जाता है इसको। अब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने थे, तीन, तो एक तो मैंने यूटिलाइज कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तीन मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, और जैसे ही थ्री मॉलिक्यूल लेंगे ये वाला हाइड्रोजन जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा और ये वाला हाइड्रोजन जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, तो फाइनली ये स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसे दिखेगा। ऐसे हमारे पास तीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं, राइट। इसको हम लोग बोरॉन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या बोरॉन अल्काइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये तो इसकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स को वहां से उठा लो, और इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे ये CH2 CH2 और CH3, राइट। तो जैसे ही इस पे पेरोक्साइड डालेंगे, क्लियर है। अब पेरोक्साइड देखो, ये रिएक्शन मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ। पेरोक्साइड जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर है, तो वाटर कैसे ब्रेक होता है, एच और ओ एच में, जबकि यहीं पे अगर हमारे पास पेरोक्साइड होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा किस में, ओ एच और ओ एच में, राइट है। अब अगर एक मॉलिक्यूल है पेरोक्साइड का तो ऐसे कन्वर्ट होगा, अगर तीन हम लोग ले लें तो तीन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल देखो, ऐसे ओ एच ओ एच, पहला पेरोक्साइड, दूसरा, और ये तीसरा। अब ये पेरोक्साइड देखो, यहाँ पे हम लोग ने तीन मॉलिक्यूल यूज किए पेरोक्साइड के, तो ये ऐसे डिवाइड हो गया। अब देखो सिंपल सा, ये मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है प्लस ये मॉलिक्यूल लगभग सिमिलर दिख रहे हैं हमको, राइट। क्या हो जाएगा देखो, तीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं अल्कोहल के, पहला CH3 CH2 CH2 और OH, राइट। ऐसे मेरे पास तीन मॉलिक्यूल बने हुए हैं, और ये जो B है बोरॉन, यहाँ पे इसके पास तीन OH ऐसे बाहर जा रहे हैं, राइट है। अब ये वाली जो चीज है ये हमको ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है बोर्ड वगैरह में, या टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिख के देखते हैं, H3BO3, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, HBO3 thrice, क्लियर है, राइट। तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ये तो हमारे बाय प्रोडक्ट है, हमको चाहिए क्या था एक्चुअल में, अल्कोहल। तो यहाँ से क्या बन रहा है देखो, सिंपल सा प्रोपेनॉल बन जा रहा है। तो इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोबोरेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले स्टेप में क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें BH3 ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें पेरोक्साइड ऐड कर रहे हैं, राइट। तो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों अलग अलग स्टेप के जो रिएक्शंस हैं उसमें अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो पहला वाला जो स्टेप है ये हाइड्रोबोरेशन का है, नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो ऑक्सीडेशन का है, क्लियर हुआ। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, राइट। अब इसके रिस्पेक्ट में बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अब एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है कि डायरेक्ट लिख के देंगे कि एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, राइट। एल्कीन लेना है, BH3 या B2H6 डाइबोरान या बोरॉन हाइड्राइड को लेके किसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन होगी, पेरोक्साइड और जो भी बनेगा हमने देखा है यहाँ पे। अब AB टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो तुमको ऐसे दे देंगे, मान लो ये रिएक्टेंट है, इस पे उसने लिख के दे दिया मुझे कि B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ PHF और दूसरा बोल दिया पेरोक्साइड, बोलेगा इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, समझा। तो इसमें प्रोडक्ट देखो क्या बनने वाला है, मैंने क्या किया था, जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब ये देगा। अब देखो हमने किया क्या था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, राइट, इस डबल बॉन्ड को हमने खाली ब्रेक किया और इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, OH। बट एक मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन नहीं होता है, हमको पता है कि ये BH3 में डिवाइड होता है, और ये कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तीन, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे थ्री, और बाहर क्या जाएगा हमारे पास, H3BO2, ये बाहर चला जाएगा ऐसे, क्लियर हुआ, समझा। तो जब भी ऐसे रिएक्शंस होंगे तो मतलब पूरा मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता है
तो हम लोग डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं। अब मान लो कि ये दिया हुआ है, ऐसे उसने मुझे कुछ रिएक्शन दिया। अब इस पे बोला कि B2H6 का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग THF के प्रेजेंट में, तो A बन रहा है बराबर। A के बाद इस पे हम लोग जो पेरोक्साइड डालते हैं तो B प्रोडक्ट बनता है। अब ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए पूछेंगे, वो डायरेक्ट बोलेगा ए वाला प्रोडक्ट बताओ और बी वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ए वाला प्रोडक्ट अभी मैंने क्या बताया था, बोरॉन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं इसमें, तो ये दिख रही है रिएक्शन, ये वाली, ये ए प्रोडक्ट है हमारा, और ये फाइनली क्या हमारे पास बी प्रोडक्ट है। तो जहां पे डबल बॉन्ड था, जहां पे डबल बॉन्ड था उसके इस वाले कार्बन को मैंने कनेक्ट किया था बोरॉन से। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये डबल बॉन्ड है इसका, ये वाला कार्बन कनेक्ट करेंगे बोरॉन को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा। और आगे अब जितने भी कार्बन है उनको लगा दो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद ऐसे 3 मॉलिक्यूल लगेंगे इस पे, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब इस पे जैसे ही पेरोक्साइड डालेंगे, अब ये पेरोक्साइड हमको पता होना चाहिए कि हम लोग 3 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में या फिर एग्जाम्स में वो लोग अमाउंट लिख के नहीं देंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ से ये, यहाँ से ये कट गए, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे पेंटेनॉल के हमको, 2 4 5, और ये एल्कोहल, इसके 3 मॉलिक्यूल प्लस बाहर क्या जाता है, BOH2, बोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, H3BO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन होती है, खाली मैकेनिज्म इनके खाली लेंदी है। तो आज के वीडियो में हमने अल्कोहल के 3 प्रिपरेशंस देखे, सबसे पहले किससे, अल्काइल हैलाइड से, फिर एल्कीन से 2 मेथड देखे, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा हमने क्या देखा, हाइड्रेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो 3 मेथड हमने देखे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर हर टाइम क्वेश्चन मिल जाता है हमको, इवन 11th में भी ये रिएक्शन हमको है और वहां पे भी ये रिएक्शन पूछते हैं बार बार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे, तब तक के लिए।